बलूचिस्तान में पाकिस्तान से बगावत का भयंकर बिगुल। मोदी को दिल्ली में बैठे बैठे मिल रही है बड़ी कामयाबी। खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े होने की प्लानिंग रही है सफल। बलूच आर्मी ने चीन के सपनों पर लगा दिया तगड़ा ग्रहण। अब अलग बलूचिस्तान को मोदी दे सकते हैं तगड़ा सपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान जिस नफरत की बुनियाद पर पला बढ़ा है, भारत से नफरत की आंधी में उछलकर आगे बढ़ा है, वही उसे बर्बाद करने को आमादा है। कुछ दिन पहले की बात याद कर लीजिए, पूर्व पीएम इमरान खान साफ साफ स्वीकार कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मोदी की ये प्लानिंग बहुत तेजी से काम कर रही है। पाकिस्तान जिस परमाणु बम पर उछल रहा है, वो भी उसके हाथ से निकलने वाला है। दोस्तों, इमरान खान की बातों पर हो सकता है कि ज्यादा लोग यकीन नहीं करें, लेकिन अब ये कहानी बिल्कुल सच होने वाली है। कहावत भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। कल तक पाकिस्तान दूसरे देश खासकर भारत में जहर की फसल बो रहा था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के दो इलाकों के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए वो पाकिस्तान में ही हमला करने से कतरा नहीं रहे हैं। एक बात है पीओके की, दूसरी बात है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जिसने पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए उसकी नाक में दम कर रखा है, वो भी इस हद तक कि पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चीन को भी नानी याद आ चुकी है। और बड़ी बात यह है कि अब बलूच आर्मी एक अलग देश की डिमांड को दुनिया में पहुंचा चुकी है। तो क्या मोदी को अब खुलकर इन लोगों के सपोर्ट में उतर आना चाहिए? क्या इंदिरा गांधी के बाद मोदी भी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो पाकिस्तान के टुकड़े कर डालेंगे? आखिर दोस्तों, इस बलूचिस्तान रीजन में ऐसा क्या है कि चीन यहां मार खाने के बाद भी लगातार पांव पसारता ही जा रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इस बात को मैं आज तगड़े से बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले इस बलूचिस्तान के पूरे मामले को जानने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल करीब 3,74,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का करीब 43% भाग कवर करता है। बलूचिस्तान का इतना बड़ा भूभाग राजनीति और आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान को बहुत प्रभावित करता है। इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ईरान, अफगानिस्तान और अरब की खाड़ी के देशों से मिलने वाले तेल और गैस के भंडारों के नजदीक है। इसके साथ ही समुद्र के जरिए होने वाले तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते का बड़ा भाग भी यहीं पर है। बलूचिस्तान प्रांत में खनिज संपदा के अकूत भंडार है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सबसे गरीब और उपेक्षित प्रांतों में से एक है ये। बलूच समुदाय अपने राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए वैश्विक सुर्खियों में बना हुआ है और माना जाता है कि ये दक्षिण एशिया में सबसे कम समझे जाने वाले समुदायों में से एक है। दोस्तों, बलूचिस्तान की हालत इतनी खराब है कि यहाँ लोगों को अपने बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। वो यहाँ पानी, खाने, बिजली तक के लिए तरसते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब बलूचिस्तान में इतनी खनिज संपदा है और भौगोलिक दृष्टि से वो इतना संपन्न है, तो फिर यहाँ ऐसे हालात क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जब आज़ादी के समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा रहना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत ने बलूचिस्तान पर ध्यान ही नहीं दिया था। साथ ही साल 1947 में जब भारत पाक बंटवारा हुआ था, तभी से पाकिस्तान की नज़र बलूच की ज़मीन पर पड़ गई थी। उस वक्त बलूचिस्तान के क्वेटा, नसीराबाद तहसील, नौशकी और बोलन के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के शासन वाले प्रांत कलाद के खांटे, लास बेला, मकरान और खारान नामक चार रियासतें शामिल थीं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले इन रियासतों को अंग्रेजों द्वारा कलाद के खान के शासन के अंतर्गत रखा गया था। आज़ादी के पूर्व संध्या पर कलाद के खान के तहत एक विशाल क्षेत्र आता था जो करीब 53,995 वर्ग मील था। इसकी आबादी 2,53,305 थी। कलाद के खानेत की स्थापना 1666 में हुई और समय के साथ साथ इसने कई उतार चढ़ाव देखे। उसे अपने पड़ोसियों की आक्रामक नीतियों का सामना भी करना पड़ा। बलूचिस्तान में ईरान के विस्तारवाद के विकास के बावजूद ब्रिटिश शासन ईरान के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाता रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ईरान को सशक्त कर वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोकने में प्रभावी हो सकेंगे। 1871 में ब्रिटिश शासक बलूचिस्तान के विभाजन के लिए ईरान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उसके फलस्वरूप ईरानी बलूच सीमा आयोग नियुक्त किया गया।
जिसके मुख्य आयुक्त के रूप मेजर जनरल गोल्डस्मिथ नियुक्त किए गए। इसके परिणाम स्वरूप गोल्डस्मिथ लाइन इस प्रकार मनमाने ढंग से खींच दी गई, जिसने बलूच लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता को बांट कर रख दिया। इस सब में बलूचिस्तान की रियासत और लोगों की राय भी नहीं ली गई कि आखिर वो चाहते क्या है। वहीं साल 1893 में सिस्तान और रेगिस्तान के बाहरी इलाके अफगानिस्तान को सौंप दिए गए और इनके बीच ड्यूरेंट रेखा खींच दी गई, जिसने आगे बलूच लोगों के क्रोध को और भड़का दिया। ब्रिटिश राज के दौरान बलूचिस्तान को प्रांत का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन ये चार रियासतों का ढीला ढाला सा संघ था, जिसमें कलात के साथ मकरान, खारान, लास बेला के साथ कुछ छोटी मोटी जमींदारियां भी शामिल थी। खारान राज्य की स्थापना कलात के एक जागीरदार राज्य के रूप में 1697 ईस्वी में हुई थी। वहीं दूसरी ओर लास बेला का राज्य जाम अली खान प्रथम द्वारा 1742 में स्थापित किया गया था। वहीं साल 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का पालन करने प्रतिबद्ध है। 1945 में शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन के बाद पाकिस्तान के गठन और देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने घातक नीतियां अपनानी प्रारंभ कर दी। कलात के खान की दृढ़ इच्छा थी कि वो स्वतंत्र और संप्रभु रहें। 1942 में खान ने क्रिप्स मिशन को पत्र लिखा, जिसका आशय बलूचिस्तान की एक स्वतंत्र खानेत के रूप में मान्यता प्राप्त करना था। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कानूनी बाधाओं से निपटने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए खान ने सलाहकार के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया, जो खान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु खान ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से भी सहायता मांगी और कलात के प्रधानमंत्री मोहम्मद असलम, चैम्बर के तत्कालीन चांसलर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान से मिलने भोपाल भी गए। इस बीच 3 जून 1947 के विभाजन की योजना में कलात के भविष्य पर चर्चा की गई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि वो दूसरी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिले हैं और उन्हें सुझाव दिया है कि वो दोनों में से किसी भी एक डोमिनियन में शामिल हो जाएं। ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब भारत पाक का बंटवारा हुआ तो इन चार रियासतों में रहने वाले लोगों को दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर भारत का हिस्सा बने। इसके अलावा बलूच के लोगों के पास ये भी विकल्प था कि अगर वो 15 अगस्त 1947 तक इन दोनों देशों में से किसी एक को नहीं चुनते हैं तो वो ऑटोनोमस प्रांत यानी दोनों देशों से अलग राष्ट्र होगा। बलूच की कलात रियासत ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। मार्च 1948 के दिन पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत घोषित कर दिया था। जून 1948 तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत बन चुका था। प्रिंस करीम खान ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपना मुल्क छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। वो किसी भी हाल में अपनी रियासत पाकिस्तान के हवाले नहीं करना चाहते थे। करीम खान बलूच से अफगान इसीलिए गए ताकि सेना जुटा पाए तो पाकिस्तानी सेना का सामना कर सके। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच के लोगों की ये पहली लड़ाई थी और आज भी बलूच के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में विद्रोह शुरुआत के बाद साल 1958, 1963 से 1969, 1973 से 1977 में 3 पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। साल 2003 में बलूच के लोगों ने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया। इस बार पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ मिलकर बनाए गए बलूच के ग्वादर बंदरगाह के चलते उन्हें हथियार उठाने पड़े थे। पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को 40 साल के लिए चीन को लीज में दे दिया था। इससे उनकी जमीन, सभ्यता, संस्कृति खतरे में पड़ गई थी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों और कामगारों पर विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ते गए। इसके बावजूद चीन इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। हाल ही में चीन ने बलूचिस्तान प्रांत में एक सोने और तांबे की खदान का पट्टा 15 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब कि इस खदान से होने वाली आय हमलों से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। चीन के कर्मचारी बलूचिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स और ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कई हमले भी हो चुके हैं। इनके पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स और मजीद ब्रिगेड का हाथ बताया गया था। इसके बावजूद चीन अपने नागरिकों और कर्मचारियों को बलूचिस्तान से बुलाने को तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने इन हमलों का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। हालांकि आरोप कभी साबित नहीं हो पाए, लेकिन यहां बढ़ती मुश्किलों को लेकर बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलोच ने पाकिस्तान से आजादी की गुहार लगाई है। कादरी का कहना है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा दहशतगर्दों और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी चाहता है। यहाँ लड़कियों पर इतना अत्याचार बढ़ गया है कि इंसान की रूह भी कांप जाए। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के लिए रेप सेल बना रखे हैं, जहाँ उन्हें न्यूड कर टॉर्चर किया जा रहा है। कादरी ने कहा कि बलोच के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता।
वहां लड़कियों की बॉडी को मशीन से ड्रिल किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए भारत की जनता को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने भारत की जनता और मोदी सरकार से मदद मांगते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में क्रांति की शुरुआत करने वाले आजाद हिंद फौज के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हैं। यहां जब तक शांति स्थापित नहीं होती तब तक भारत भी सुख चैन से नहीं रह सकता। बलूचिस्तान पाक के अत्याचारों से बुरी तरह से त्रस्त है। वो चाहता है कि भारत उसे आजाद कराने में सहायता करे, लेकिन भारत हस्तक्षेप करने में दूर ही रहता आया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इन दिनों भारत से टकराने का मन बना लिया है। इसीलिए भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है कि अब वो बलूच जनता की सहायता कर उसे मुक्ति दिला दे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे क्षेत्रों के नामों का उल्लेख करके देश और दुनिया को याद दिला दिया कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपनी हड़प नीति द्वारा क्षेत्र को कैसे अस्थिर बना रखा है। बांग्लादेश बन जाने के बाद भी पाक नेताओं का दिमाग ठिकाने नहीं आया है, लिहाजा भारत को एक बार फिर उसका दिमाग ठिकाने पर लाने की कार्रवाई करनी ही होगी। दोस्तों, पाकिस्तान का इस सपना है कि वो आसपास के देश हड़प कर दक्षिण पूर्वी एशिया की ताकत बन जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को आशंका है कि कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद की सीमाओं तक ही मर्यादित ना रह जाए। ऐसा हुआ तो एक कट्टर देश हर दूसरे देश को परेशान करता रहेगा, लिहाजा वो समय निकट आ गया है कि पाकिस्तान को तोड़कर कई देश बना देने चाहिए, ताकि ये दुनिया के मानचित्र से ही विदा हो जाए। और इसके लिए मोदी सरकार ने तगड़ी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि चीन इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है।